एक बार की बात है, मैं जंगल के रास्ते से घर आ रहा था कि अचानक एक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। मैं सुनकर बिल्कुल डर जाता हूँ और मैं इधर उधर देखता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे एक गुफा दिखाई देती है जिसमें एक कुछ लाल पीला सा चल रहा होता है। मैं उस गुफा के पास आ जाता हूँ और इधर उधर देखता हूँ कि बचाओ बचाओ कि वह आवाज़ गुफा से ही आ रही होती, और मैं गुफा के अंदर फिर उस आवाज़ को ढूंढने चला जाता हूँ। फिर मैं गुफा के काफ़ी अंदर चला जाता हूँ। काफ़ी दूर चलने के बाद वहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि अचानक किसी के आने की आवाज़ आती है। मैंने देखा हमारे सामने बिल्कुल कुछ दो एक भूत चले आ रहे हैं, बहुत अजीब से। उनके सर से खून निकल रहा था और बहुत ही अजीब से भूत थे, और मैं काफ़ी डर गया और वहाँ से भाग गया और मैं उसी रोशनी की तरफ भागने लगा। फिर मैं पहाड़ से नीचे गिर जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बादल से नीचे गिर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ से नीचे गिर रहा हूँ। फिर मैं ज़मीन पर आकर गिर पड़ता हूँ और मैं फिर खड़े होकर देखता हूँ तो वह वहीं पर था जहाँ पर मैंने अपना चलने की शुरुआत की थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल अननू टेक्निकल में। तो दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत में एक क्लिप देखा, अच्छा सा कार्टून वीडियो था जो कि गुफा वाला एक कार्टून वीडियो था, और उसमें कई ऐसे सीन्स थे जो बहुत ही अच्छे थे, जैसे कि आसमान से गिर रहा, ज़मीन पर गिरा, फिर उसके बाद ऐसा काफ़ी अच्छे अच्छे जो सीन थे उस तरह की। आज मैं आपको कार्टून वीडियो बनाना सिखाऊंगा। जो आप इस वीडियो को देखोगे बहुत ही अच्छी तरह ऐसा ही कार्टून वीडियो बना। सबसे पहले आपको चले जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाके आपको सिंपली सर्च करना है पोज मैक्स। तो आपको सिंपली पोज मैक्स करके सर्च कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, कुछ ये वाला ऐप आपके सामने खुल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला ऐप आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इंटर करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक करेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको करेक्टर देखने को मिलेगा एक, और फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ से करेक्टर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए एक करेक्टर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए कई करेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए अलग अलग करेक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने करेक्टर लिया था, तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले सेकंड वाले रो पर आपको भी काफ़ी करेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये देखिए, एक ये वाला करेक्टर है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये वाला करेक्टर है, ये लड़की वाला करेक्टर है, और ये लड़के वाला है, ये वाला करेक्टर है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी करेक्टर आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए काफ़ी करेक्टर आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए लड़की वाला है, और यहाँ पर ये देखिए ये वाला है, और दोस्तों बहुत करेक्टर आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये वाला करेक्टर लिया था, ये देखिए मैंने ये वाला करेक्टर लिया था, तो मैं इसी पर आपको पूरा वीडियो करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एरो का निशान देखने को मिल रहा होगा। आपको सिंपली इसमें बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पोज लिखा हुआ है, आपको सिंपली पोज पर जाना है। पोज पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी पर जाके बॉडी पर आप ऐसे करके क्लिक करेंगे तो जो हैंड आपको चूज़ करना है वो हैंड यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए हिप्स लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए काफ़ी बॉडी पार्ट्स आपके सामने आ जाए, सभी बॉडी पार्ट लेकर आप जैसे मूवमेंट कराना चाहते हो मूवमेंट करा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से देखिए मुझे मूवमेंट नहीं करानी, मैं सीधे यहाँ से आपको बैक चला जाऊँगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा एक एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आपको सिंपली इस पर चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, आपको जिस टाइप का करेक्टर को करना है। यहाँ पर देखिए एंग्री का एनिमेशन है, यहाँ पर देखिए ये वाला है, यहाँ पर है, और जो जो मैंने एनिमेशन यूज़ किए हैं, तो दोस्तों देखिए ये वाला यूज़ किया है, ये वाला है, और ये वाला भी है। तो दोस्तों जैसा आप चाहो वैसा यहाँ से कर सकते हो। यहाँ देखिए क्राई वाला है, रोने वाला है, डांस वाला है, काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्तों यहाँ पर आपको एनिमेशन देखिए देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये वाला एनिमेशन भी है, और दोस्तों यहाँ देखिए ये वाला एनिमेशन है, काफ़ी एनिमेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ गिरने वाला है, फ्लाई उड़ने वाला है। और दोस्तों एक बात बता दूं, यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा जो मैंने चलने वाला था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे दोस्तों आप काफ़ी एनिमेशन है जो आपको मिल जाएंगे, जो आपके
कार्टून वीडियो में काम आने वाले हैं दोस्तों। और भी दोस्तों देखिए, रन वाला है ये, देखिए ये लड़की रन वाला है, और ये झुक के रन वाला है, और जो मैंने यूज़ किया था दोस्तों ये देखिए दौड़ कर वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सैड वाला है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी है, यहाँ पर काफ़ी आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, अपने एनिमेशन यहाँ से लेके कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों एक बात और मैं दिखा दूँ, नीचे देखिए आपको कुछ ट्विस्ट फ्रंट बैक और साइड दिख रहा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है ये देखिए, इससे आपका जो हाथ है ऐसे ऐसे एनिमेशन अगर कराना चाहो तो यहाँ से करा सकते हो। ये बैक का है, कुछ भी घुमाना चाहो कुछ भी कर सकते हो यहाँ से, ये भी देखिए ऊपर नीचे करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये देखिए किनारे साइड आपको तीन कैमरे दिख रहे होंगे, एक ये वाला है, इससे आप अपने करेक्टर को छोटा बड़ा करके जूम आउट, जूम इन, जूम आउट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये साइड पर देखिए एक कैमरे का दिख रहा है आपको, इससे आप ऐसे ऐसे करके घुमा सकते हो। ये देखिए दोस्तों आपको जैसा सीन लेना है, ऊपर का सीन लेना है, नीचे का सीन लेना है, कोई सा भी ऐसा सीन ले सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर भी देखिए फ्रंट का भी है ऐसे, देखिए बैक का भी है, आप जिस टाइप का लेना चाहो। ये देखिए ऊपर का है, ऊपर से है, और नीचे बॉटम का भी है, नीचे का भी है, जिस टाइप का आपको कैमरा अपना करना चाहो यहाँ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये देखिए एक ये वाला है, इससे आप आगे पीछे ऐसे राउंड कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंपल सा वॉक वाला भी है, ये देखिए आप जैसा आप ये देखिए जैसा आप इसको ऐसे करके करना चाहो वैसा आप यहाँ से कर सकते हो, ऐसे घुमा के करना चाहो, सीधा सामने का चला रहे, फ्रंट में चलाना है आपको फ्रंट में चला सकते हो, साइड में चला सकते हो, ऐसे चला सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं, और यहाँ से आप ले सकते हो। और प्रॉब्लम आती है कि अब आप इसको ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड कैसे करोगे अपने कार्टून वीडियो में इस्तेमाल करने के लिए। उसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको ऑन कर लेना है, उससे आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। वो भी बताऊँ कैसे, या फिर आप चाहो कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे रिकॉर्ड, दोस्तों रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्टेप करना होगा, यहाँ पर देखिए नीचे बिल्कुल एक एरो देखने को मिल रहा होगा आपको, सिंपली इस पर टाइप, हमारा देखिए बिल्कुल ग्रीन बैकग्राउंड हो जाएगा, तो आप चाहो तो यहाँ से ऐसे करके रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों दिखा दूँ मैं यहाँ पर, देखिए एनिमेशन करा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए मैं वॉक वाला करा दे रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों मैं वॉक वाला करा दे रहा हूँ, ये देखिए ये वॉक वाला हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, नीचे एरो है, एरो पर क्लिक करना है, तो ये आपको ऐसे करके स्क्रीन रिकॉर्डर से, किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से, या अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर हो तो उससे आप ऐसे करके रिकॉर्ड कर सकते हो, अपना ग्रीन स्क्रीन यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद मैं दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर करेक्टर का जो ऑप्शन था, यहाँ पे देखिए जो हमने जोम्बीज वाला करेक्टर लिया था, तो आप दोस्तों यहाँ से जोम्बीज वाला भी करेक्टर ले सकते हो। ये देखिए मेन जोम्बीज का है, और ये देखिए गर्ल जोम्बीज का है, जो कि गर्ल जोम्बीज का मैंने यूज़ किया हुआ था। उसके बाद दोस्तों एक बात बताऊँ, जैसा मैंने आसमान से गिरने वाला एक एनिमेशन किया था, तो दोस्तों आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से जाने के बाद ये देखिए दोस्तों ये आसमान वाला है हमारा, आप चाहो तो इस वाले एनिमेशन से अपना आसमान से गिरने वाला जो पोज है यानी वीडियो है वो बना सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इस टाइप का आप यहाँ से कैमरे से ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऊपर से दिखाना चाहो दिखा सकते हो, साइड से दिखाना चाहो तो ऐसे करके, जैसा आप ऐसा करके करना चाहो ऐसा करना चाहो, जैसा आप दोस्तों यहाँ से करना चाहो वैसा यहाँ से आप ऐसे करके दिखा सकते हो। ऐसे एरो पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए आपका जो ग्रीन स्क्रीन है वो यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए जो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, होने के बाद दोस्तों देखिए मैं थोड़ा सा आपको एडिट करके दिखा देता हूँ, करके आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन बजाऊँगा, इस पर जाऊँगा काइन मास्टर में, आपको पूरी तरह एडिट करके भी दिखा दूँगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से कुछ ग्रीन स्क्रीन ले लेता हूँ। पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल से एक बैकग्राउंड ले लेना है, कोई सा भी मतलब बैकग्राउंड ले लिया है, आपको भी ऐसे ही अपना आसमान से गिरने वाला पोज जो बनाना है वो बना लीजिएगा। बाकी आप अपना कोई सा भी बैकग्राउंड लगा के, जो मैंने गुफा वाला बताया है आप गुफा वाला भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने गुफा का और एक आसमान वाला दोनों का ले लिया यहाँ से, और यहाँ से ऐसे करके इसको टाइप कर दूँगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा गुफा का और आसमान वाला दोनों का यहाँ से आ चुका है। आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो कि गुफा में मैंने एक लाइट लगाई थी, तो वो लाइट कैसे लगाई थी वो मैं आज बता देता हूँ आपको कि मैंने लाइट कैसे लगाई थी। पहले आपको क्या करना है, पहले दोस्तों आपको क्या करना है, कलर फिल्टर पे चले जाना है, जाने के बाद दोस्तों बेसिक पर जाना है, इसको ऐसे करके इस कलर का कर लेना है।
अब दोस्तों क्या है इसमें, आपको अब लाइट जो लगाएंगे वो लाइट देखने में भी अच्छी लगेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लेयर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ मीडिया पर चले जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको सिंपली एक वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको ऐसे बड़ा करना है। करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इसको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के लिए आपको सिंपली इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ शेप पे चले जाना है, यहाँ गोला वाला ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों इसको ऐसे करके छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से आपको एक लेयर पे जाकर एक बैकग्राउंड ले लेना है। दोस्तों देखिए यहाँ से मैं एक रेड वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा इसको भी आपको ऐसे ही बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद क्रॉपिंग पर जाना है और इसको भी गोला वाला अपना ले लेना है और इसको भी इस तरह छोटा कर लेना है। छोटा करके आपको सिंपली इसको ऐसे करके रख देना है, यहाँ पर साइड पर कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाइट वाला को लेना है। लेने के बाद दोस्तों इसको ऐसे करके अंदर ले जाना है गुफा के अंदर। दोस्तों ये देखिए हमारा जो आ चुका है, ये गुफा के अंदर एक चला गया है। अब दोस्तों इसका जो कलर है, इसका कलर आपको येलो कलर का कर लेना है, यानी हल्का और येलो क्या हल्का ऑरेंज आपको करना है कि इस टाइप का कर लीजिएगा। जिस टाइप का आपको लाइट लगानी है यहाँ पर तो लगा लीजिएगा। देखिए मैं ब्लू कलर की लगा देता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए रेड वाला जो है इसको आपको बिल्कुल रेड कर लेना है। ये देखिए इस टाइप का कर लेना है, इसको भी इसी के ऊपर जाके पेस्ट कर देना है। दोस्तों देखिए मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है। रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, क्रॉपिंग में जाके रेड वाले का फेदर है वो ऐसे करके आपको सिंपली बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको ऐसे ही ब्लू वाले में करना है, ब्लू वाले में भी चले जाना। आप जाने के बाद इसका भी फेदर आप ऐसे करके बढ़ा देना दोस्तों। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, रेड वाले में सिंपली जाकर यहाँ ओवरली पे चले जाना है और यहाँ पे ब्लिंक करके एक ले लेना है। दोस्तों देखिए इस टाइप का आपका जो है वो बन जाएगा। आपको दोस्तों आप क्या करना है, इसको बीच में रख लेना। मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी आपको समझाने के लिए कर दिया है। यहाँ पर आप इसको बिल्कुल रेड वाले को बीच में रखिएगा, नीले के बीच में। तो ऐसे करके आपको गुफा का भी जो है बना लेना है। बनाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आसमान वाला जो बनाना है, आपको आसमान वाला गिरने वाला जो बनाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने करेक्टर को यहाँ से ले लेना है। देखिए मैं करेक्टर को यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखिए कि दोस्तों इसको हमने ले लिया। लेने के बाद दोस्तों देखिए ऊपर का काला भाग आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम ऐसे करके क्रॉप कर दिया है, आप भी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों इसका क्रोमा की निकाल देना है। क्रोमा की करके आपको सिंपली इनेबल कर देना है, तो ये हमारा जो हट जाए। होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना है कि दिखे कि नीचे गिर रहा है। नीचे गिरने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जहाँ तक हमारा करेक्टर है उसको ऐसे करके आपको इस बाकी का पार्ट यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आप शुरुआत में चले जाइएगा। जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पैन एंड जूम पे जाना है और ऊपर वाले भाग को ऐसे ऐसे करके जूम कर लेना है, ऐसे करके जूम कर लेना है। दोस्तों ऐसा ही आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों ये देखिए हमारा आसमान से जो गिरने वाला इफेक्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैं चला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा इफेक्ट है जो आसमान से गिरने वाला बन चुका है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह अपना इफेक्ट बना सकते हो और इसी तरह आप भी अपना कार्टून वीडियो आसानी से बना सकते हो। अपने पोज मैक्स ऐप से अपना एनिमेशन करा के ग्रीन स्क्रीन ले लेनी और बहुत अच्छा सा कार्टून आप तैयार कर सकते हो और अपने चैनल पर अपलोड करके काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों मैं हमेशा इसी तरह की अच्छी अच्छी कार्टून वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।